स्टूडेंट, मैं राजू सर आप सभी को LSP के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग वर्ग 10th के गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्या शुरू करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में लगभग। तो आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है और इस चैप्टर की पूरी थ्योरी आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्नों को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहां देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसे अंग्रेजी में रियल नंबर। इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी जानते होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, अर्थात जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों एक साथ हों, तो उनके उनको हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो फिर बात आई कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो अब जानेंगे यहां पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या है जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां पे पी तथा क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। साथ ही ये जो क्यू है डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये एक परिमेय संख्या का डिफिनेशन हुआ। वैसी संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक हो, साथ ही क्यू डज नॉट इक्वल 0, तो ऐसे संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण एक अंक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, आपको पता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। 0 से हम दाई ओर जाते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है, 0 से बाई ओर आते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। तो पूर्णांक होना चाहिए, पहली बात कंडीशन पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तब हम सब कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। जैसे 3, 4, -2, 22/7, √25/16, ये सब के सब परिमेय संख्याओं की फैमिली है। अब दूसरी बात होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या अर्थात इसे जानना बेहद आसान है। अगर दो आदमी हो साथ में, तो आदमी हो दो क्वालिटी के हो, अगर एक क्वालिटी को पहचान गए तो दूसरे वाले को आसानी से हम बता सकते हैं। अर्थात जो परिमेय संख्या का डिफिनेशन फ्लो नहीं करता है, तो समझिए क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे √3, √2, √5, √7, पाई, ये सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर देखिए √3 पी बटा क्यू के रूप में है, परंतु क्यू तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहां पर क्यू धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहां पर पी देखते हैं तो एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, ये √3 है। √3 का वैल्यू होता है लगभग 1.0, तो ये पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जान गए हम, वास्तविक संख्या दो भागों में हुआ, एक हुआ परिमेय संख्या, दूसरा हुआ अपरिमेय संख्या, जिसके लिए उदाहरण भी यहां पर हमने दिया था, 2, 4, 3, 5, 2, 1/2, 22/7, ये सब इसकी फैमिली हो गई परिमेय संख्या का।
अपरिमेय संख्या के फैमिली को देखें तो ये हो गया रूट तीन, रूट पांच, रूट सात, रूट ग्यारह, ये इसकी फैमिली हो गई। अब यहां पर एक बात क्लियर करेंगे हम कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल, चूंकि इसी का ये दोनों पार्ट है तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब इन परिमेय संख्याओं को हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की फैमिली के एक एक मेंबर को मैथ की जो चिन्ह होता है जोड़ घटाव गुणा भाग आदि से मिलाते हैं, तो मिलने के बाद हम देखेंगे वह संख्या क्या परिमेय होती है या अपरिमेय। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने ये दो यहां से उठाया, दो यहां से लिया, ये परिमेय संख्या है, और मैंने यहां से रूट तीन लिया और इसे हम जोड़ द्वारा दो जोड़ दिया दोनों को, तो क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय होगा या अपरिमेय? तो फाइनली ये होता है अपरिमेय संख्या। अगर इसे घटाव के रूप में भी लिखेंगे तब भी अपरिमेय संख्या हो, अगर इसे गुणा के रूप में लिखेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा, अगर इसे भाग के रूप में लिखेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात यहां से क्लियर होता है कि किसी भी परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहां से क्लियर होता है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसके बारे में जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको 9/2 दिया जाए, तो जब इसमें भाग लगाते हैं 9 में 2 से तो ये 2 चौके 8 4.5 यानी दशमलव के बाद ये यहीं पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। अगर यहां पे 10/3 लिखूं तो जब इसमें भाग हम देते हैं 10 में 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9 दशमलव, ये 3 3 3 3 3 यानी कि इसके ऊपर हम रैकरिंग दे देते हैं, यही इसी को हम कहते हैं आसान प्रणाली, आसान। तो आज हम जानेंगे किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, किन का अशांत होता है, बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि किसी भी दशमलव संख्या का जो किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत होता है अथवा अशांत। इसके लिए हमें एक छोटी सी थ्योरी देखना होगा। देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब कोई भी परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो तो हम उस क्यू का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, और जब भी उसका गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में हो, या ओनली 2 के पावर n के रूप में हो, या ओनली इनके पावर 5 के पावर n के रूप में हो, तो इन तीनों कंडीशन में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत। और दूसरा, इसके अतिरिक्त इन कंडीशन के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड जब शामिल हो जाता है तो हम कहते हैं उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं, यहां पर अगर यहां पर मैं लिखा हूं 23/25 तो क्या इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है? तो बस इसके हर यानी कि क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि शांत है कि अशांत। तो इसको जब हम करेंगे तो पता चलेगा कि 25 का जो खंड होगा वह 5 गुणे 5 अर्थात 5 के पावर 2, यानी कि इस नियम को अनुसरण किया
अर्थात इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत। अगर इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिख दिया 33/20, अब इसको हम इसका हर कवन लें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके देखते हैं, तो 20 का जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 गुणे यहां हो गया 5, तो दोनों का 4 5 20। तो यहां हम देखेंगे 2 के पावर n, 2 के पावर n का मतलब n का मतलब यहां 2 और 5 यहां। तो देखिए ये जो आया वह इस रूप में आ गया, तब इस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि दशमलव पर इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या है, शांत। अगर यहां पर मैं 21/24 लिख दू, सरल रूप नहीं है, या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 21/ मैंने यहां पर 12 लिख दिया, इस 12 के खंड करके देखते हैं, 12 का जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। देखिए 2 की पावर n, लेकिन इसका अतिरिक्त 3 आ गया, हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत। समझ में आ गया होगा कि ये शांत होगा अथवा अशांत, किस कंडीशन में शांत होगा और किस कंडीशन में अशांत होगा। अब एक बात यहां पर देखते हैं, कुछ परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत होता है, लेकिन परीक्षाओं में हमेशा पूछता है 2 नंबर के लिए किसे पी बटा की गुरु मिली, जैसे कि आपको 0.6 या 6 आ रहा है, तो इसका जो पी बटा के रूप में, इस पी बटा क्यू के रूप में लिखना हो तो इसे कैसे लिखेंगे। इसकी 2 तरीकाएं हैं, एक सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर के लिए उसको विस्तारित रूप से बनाएंगे, और दूसरा जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, जैसे ये 0.6, तो इसे हम क्या कर लेंगे, माना कि x बराबर 0.6 यहां पर एक लिख देते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, एक लाइन बढ़ाकर लिख देते हैं x बराबर 0.66 को लिख लेते हैं बेसिक, और इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अगर दशमलव के बाद एक अंक पर एकरी होगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पर होगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पर एकरी होगा तो 1000 से गुणा करेंगे, इसी तरह से। तो मैंने यहां पर एक अंक के बाद ही रेकरिंग है यहां पर, तो देख सकते हैं हम 10 से गुणा करेंगे तो इधर करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक स्थान इधर आ जाएगा, यानी कि 6.6 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, लिख देंगे अब समीकरण 1 में घटा देंगे समीकरण 2 को, तो ये देखिए जब घटाएंगे इसको तो 10x ये 6.6 हो गया, और यहां पर पहले वाले समीकरण को लिख देंगे, सॉरी 2 में 1 को घटाना है तो ये लिख दिया, अब 1 वाले को लिखेंगे यहां पर 0.66, यहां 6.6 है सॉरी, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, और यहां देखिए 0 और यहां पर 1 मिनट 6.6 समीकरण 2 को, समीकरण 2 को हमने यहां लिखा 6.6, समीकरण 1 लिखेंगे यहां पर 0.,  सॉरी इसी को 1 मानना था, तो यहां पर आपको आ जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये 9x बराबर 6 आ गया, इसलिए x बराबर आपको 6/9, यानी कि इसको हम काटेंगे 3 से तो 3 × 6 = 9, यानी कि हमारा x बराबर आ गया 2/3। अब जब हम 2 में 3 से भाग देंगे तो यही कंडीशन आएगा 0.66, देख लीजिए अगर 2 में आपको भाग देना है 3 से तो दशमलव देंगे यहाँ पर, इसके पहले 0 लिख देते हैं
ये 0 का छत्री 18, और देखिए 2 आ गया, फिर बिठाएंगे छत्री 18, यानी कि इसी तरह में 6-6 आते रहेगा। तो ये 2 नंबर की परीक्षाओं में पूछता है, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछता है। अगर 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा हो तो इसे शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे बनाएंगे ये देखना है। अगर आप कैसे हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये दशमलव के बाद कितने अंक है ये देखेंगे, पहले ये जो पूरा अंक है उसको पूर्णतः हम यहां पर लिख देते हैं कि आपका 6 है, और 6 कितने अंकों, दशमलव के बाद कितने अंकों पर एक रिंग था, 1 अंक पर, तो 1 अंक यहां पर है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर 1 अंक पर होगा तो नीचे 1 × 9 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और ये बात ध्यान देने वाली है कि पूरे जब अंक लिखेंगे लोग तो इसमें 2 भाग, इस भाग को हम पूर्णांक भाग कहते हैं और इस भाग को अपूर्णांक भाग कहते हैं। तो अपूर्णांक वाला भाग इस अपूर्णांक वाला भाग अपूर्णांक वाला भाग में हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। देखिए 6/9 हो गया, इसको काटेंगे तो 3 × 6 और 3 × 9 यानी कि 2/3, ये ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको दिया है 0.3, ये 3 3 आ रहा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा यहाँ लिख देंगे 3 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही होगा, और यहाँ एक 9 लिख देंगे, तो ये कंडीशन आएगा। जब आप भाग देंगे तो आएगा 0.3 3 3 कट जाएगा। अगर 1.3 3 ऐसे और 1 ऐसे दिया हो, 1.6 ऐसे रेकरिंग दिया हो इसमें और 6 6 आ रहा है, तो इसको पिवट एक्यूब ग्रुप में कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे इसको पूरा, ये क्या है 16 है, पूरा ये 16 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 15, और 15 हो जाएगा, और नीचे 1 अंक पर है तो यहाँ पर 9 बैठा देंगे। अब देख लीजिए कंडीशन वही आने वाली, 15 में जब हम 9 से भाग देंगे, देखिए तो क्या आ रहा है, 9 × 1 = 9, यहाँ 9 आ गया, यहाँ बचेगा 6, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, फिर 6 आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ 54 लिखेंगे तो फिर वही बात, यहाँ पर 9 × 6 यहाँ 54 लिखे तो यहाँ 6 आएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे फिर 6 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में इसे शॉर्ट तरीका से आप बना सकते हैं, एकदम देखते ही आंसर आप मार देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा है 101 और 0.33, 2 रेकरिंग दिया है 2 पर, और पूछ रहा है कि इसे सरलता रूप में क्या होगा, तो बहुत ही आसानी इसे लिख सकते हैं आप, पूरे लिखे 133 और 133 में इसका जो पूर्णांक भाग है घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, 131 कितने पर रेकरिंग, 2 पर, ये भी बोल मान लेंगे तो हो गया। इसको जब हम भाग देंगे तो यही क्रम आएगा। तो इसे शॉर्ट तरीका में आप 1 नंबर के लिए परीक्षाओं में इसे बना सकते हैं, और जब 2 नंबर के लिए पूछे तो इस कंडीशन में बना सकते हैं। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मानेंगे और इस तरह से कर देंगे तो 2 नंबर के लिए प्रश्न क्लियर हो जाता है। तो आज हमने देखा परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसको हमने क्लियर किया। उसके बाद मैंने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर बात किया, तो कंडीशन निकल के आया 2 कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होते हैं वो शांत भी हो सकते हैं, अशांत भी होते हैं। तो अशांत वाला जो क्रम देता है परीक्षाओं में P/Q में या सरलतम रूप में पूछता है, जिसे हम 2 तरीके से आपके सामने हम बनाकर दिखाएं, शॉर्ट ट्रिक में भी और विस्तारित रूप में भी। दूसरा, अब इसके जो शांत, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसे बिना भाग दिए हम कैसे बहुत ही कम समय में उसको हम बना सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।